हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ वीरेन सिंह। स्वागत है आप सभी लोगों का इस पर्टिकुलर वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि काफ़ी कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं कि फेक इट अनटिल यू मेक इट के बारे में। कई बार हमारे साथ ऐसा फील होता है कि जो कॉन्फिडेंस हमें चाहिए होता है किसी काम को करने के लिए, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। जो बिलीफ हमें चाहिए होता है किसी काम को करने के लिए, वो बिलीफ नहीं आ पाता। सो उस बिलीफ को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे हम अपने जो हम अपने ड्रीम्स को, जो हम अपने चीज़ों को चाहते हैं, उसे अपने एक्शंस में कन्वर्ट किया जाए। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ चाहते जरूर हैं बट हमारा एक्शंस जो होता है उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता, जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पाते या उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते। एग्जैक्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वी हैव द टू काइंड ऑफ माइंड, वन इज कॉन्शियस माइंड एंड वन इज द सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड ये जब आपकी स्पेसिफिकली जो सोच रहे होते, जब आप कहते जाग रहे होते, अवेक होते हो, उस टाइम पे आपका ब्रेन कैसे सोच रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, वो कॉन्शियस माइंड का हिस्सा होता है जो आप डिसीजंस मेकिंग होते हैं। एंड सब कॉन्शियस माइंड जो होता है जब आप एक तरह रेस्टिंग पोजीशन में होते हो या जब आप कहते हैं कि सो रहे हो या उस टाइम पे जो माइंड एक्टिव होता है, दैट इज़ योर सब कॉन्शियस माइंड। सो देयर इज़ अ केस कि जो चीज़ हमारे सब कॉन्शियस माइंड में होती है एक्चुअली वही हमारे एक्शंस में रिफ्लेक्ट होती है। मोस्टली हम जो हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे एक्शंस से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट नहीं करता, हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सब कॉन्शियस माइंड को जो होता है वो सिग्नल भेजेगा या वहाँ तक चीज़ों को पहुँचाएगा, और सब कॉन्शियस माइंड हमारे जो एक्शंस को होते हैं वो रेगुलेट करते हैं। सो एग्जैक्टली इस चीज़ पे बात करने वाला हूँ मैं कि अगर आप लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हैं, चाहे आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहे, साइंटिस्ट बनना चाहे, रिसर्चर बनना चाहे, टीचर बनना चाहे, प्रोफेसर बनना चाहे, कुछ भी बनना चाहे, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कभी कभी आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस या बिलीफ नहीं आ पाता है, सो जस्ट ट्राई टू फील लाइक दैट कि आप जो हैं, जो बनना चाहते हैं वो अभी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप डेली मिरर देखते होंगे, आप एक A4 सीट लीजिए और अपने वहाँ पर चिपका दीजिए दैट आई एम एन आईएएस ऑफिसर, आई एम अ रिसर्चर, आई एम अ साइंटिस्ट, जो भी आपको लगता है वो आप वहाँ पर पुट कर दीजिए। और पुट करने के बाद जस्ट ट्राई टू फील इट। अगर आप दिन में या कभी भी 2-3 दिन में आप 10 से 15 मिनट उस चीज़ को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं जो आप बनना चाहते हैं। कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ सांप जहरीला नहीं होता फिर भी अपने आप को मिमिक करता है जहरीले जैसा, उसकी तरह शो करता है सो दैट अपनी जान बचा सके, लोगों को लगे कि ये सांप जहरीला है, इससे दूर रहो, तो वो अपनी जान बचा लेता है। दैट एग्जैक्टली यू हैव टू फेक इट अनटिल यू मेक इट। आपको तब तक अपने आप को फेक करते रहना है जब तक आप इसको बना नहीं लेते। आप खुद से ही फेक तरीके से बोलते रहे येस यू आर द साइंटिस्ट, यू आर द रिसर्चर, आप जो कर रहे हैं वो आपका स्पेसिफिकली, मतलब जो आप बनना चाहते हैं वो फील करिए कि आप हैं। सोचिए कि अगर आप उस औंधे पे पहुंच गए, उस सक्सेस या उस लेवल पे पहुंच गए, तो आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, आपका बिहेवियर क्या होगा। सो ये चीज़ सोचने की कोशिश करिए कि वॉट विल बी योर बॉडी लैंग्वेज आफ्टर दैट, एंड जस्ट इमेजिन, ट्राई टू इमेजिन फॉर 10 to 15 minutes, गो टू योर मिरर, लुक इन टू योर आइज एंड सी या इमेजिन, या तो आप सिट कर सकते हो, बैठ के सोच सकते हो कि आप अगर मान लो कि जो बनना चाहते हो वो बन गए तो क्या करोगे, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, आपका बिहेवियर क्या होगा, आपकी लाइफ स्टाइल क्या होगी, आप क्या करोगे। तो दैट जस्ट ट्राई टू विजुलाइज फॉर 10 to 5 minutes, यू विल थिंक लाइक कि यार मज़ा आएगा, तब मेरे पास ये होगा, ऐसे करूँगा मैं, वैसे करूँगा, यही सारी चीज़ें जो हैं। जब आप उस चीज़ को, अभी आप वहाँ पे हो नहीं लेकिन यू आर क्रिएटिंग एन इमेज, जब आप एक इमेज को क्रिएट कर रहे हो, ये जो कॉन्शियस माइंड में इमेज क्रिएट होगा, जब कंसिस्टेंटली इसको करते रहेंगे, आपने 21 days का रूल भी पढ़ा होगा कि कुछ भी काम अगर आप 21 दिन तक करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है, दैट विल बी योर हैबिट। एग्जैक्टली आपके कॉन्शियस माइंड में जब कोई चीज़ ज़्यादा दिनों तक चलती है, 20, 21 या 1 महीने तक चलती है, तो वो चीज़ आपके सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो जाती है।
और जब वो सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर होगा, वो सबकॉन्शियस माइंड आपके एक्शन से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड आपके एक्शन में वो चीज़ ला के रख देगा। सो जब आप अपने आप को फेक ही सही, जब ये फील करा रहे हो कि यू आर अ साइंटिस्ट, यू आर एन IAS ऑफिसर, यू आर अ रिसर्चर, यू आर अ प्रोफेसर, समथिंग वॉट एवर, तो आप धीरे 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 आपका सबकॉन्शियस माइंड ये यकीन करने लगेगा, यस आई हैव द कैलिबर, यस आई हैव द बिलीफ, अरे मेरे पास टैलेंट है। और जब ये आएगा तो वो जो आपके अंदर अंडर एस्टिमेट करने वाली प्रॉपर्टी है, लो कॉन्फिडेंस वाली प्रॉपर्टी है, लो बिलीफ वाली प्रॉपर्टी है, वो धीरे धीरे जाने लगेगी। जैसे ही ये आपका बिलीफ, ये आपका सिस्टम सबकॉन्शियस माइंड में घुसा, जो आप सोच रहे हो, जो आप फेक कर रहे हो, आपका कॉन्शियस माइंड बार 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 अपने आप को विजुलाइज करा रहा था, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ पहुंची। और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन हो गया कि नहीं, आपके पास कैलिबर है, आप ये प्रोफेसर जैसे हो, देन आपका जो पर्टिकुलर सबकॉन्शियस माइंड आपके बॉडी लैंग्वेज में उसको उठा लाएगा। तब आप जो भी काम करोगे, आप ये सोच के करोगे कि ये मैं ये चीज़ हूँ और मुझे इस तरीके से करना है। सो करते रहिए, ये आपके बॉडी लैंग्वेज को इस तरीके से बढ़ाएगा कि आप अपनी कामयाबी तक बहुत ही आसानी से पहुँच सकते। सो ट्राई टू फेक इट अंटिल यू मेक इट, ट्राई टू फेक इट टू योर कॉन्शियस माइंड, अपने कॉन्शियस माइंड को फेक करिए ताकि वो सब कॉन्शियस माइंड तक जाके आपके उस फेक को मेक बना दे। अपने कॉन्शियस माइंड को इस तरीके से फेक करिए कि सब कॉन्शियस माइंड में घुस के वो आपके लाइफ को मेक बना दे, मतलब फेक से मेक हो जाएगा। सो फेक इट अंटिल यू मेक इट वाली कहानी बन जाएगी। सो ट्राई टू डू इट फॉर 1 month, यू विल सी अ पॉजिटिव चेंज इन यू। आप 1 महीना इसको करके देखिए और 1 महीना करने के बाद आप मुझे खुद बताइएगा इसी वीडियो के कमेंट में कि नहीं, आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आया कि नहीं आया। और मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यू विल सी अ पॉजिटिव चेंज। एंड अगर पॉजिटिव चेंज आया और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आगे कौन से टॉपिक पे चाहते हो कि मैं आपसे बात करूँ, या कोई भी आपको इशू लगता है कि इस टॉपिक पे हमें थोड़ी गाइड कर दीजिए तो मैं उस चीज़ पे भी आपको गाइड कर सकता हूँ। कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, अच्छा लगा तो भी, कुछ टॉपिक चाहिए तो भी। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अगर पूरा करना हो CSIR का सपना तो मेहनत से बढ़कर कोई संकल्प नहीं। जब बात हो बेस्ट तैयारी की तो अनएकेडमी से बेहतर कोई विकल्प नहीं। अनएकेडमी का एक टॉप एजुकेटर जिसे वीरेंद्र सिंह के नाम से जानते हैं, अपने स्मार्ट टीचिंग से वो कईयों के सपने पूरे कराते हैं। जुड़िए अनएकेडमी के साथ और ले जाइए अपना CSIR अपने साथ। देखिए वीरेंद्र सर की फ्री क्लासेस, अपनी तैयारी आजमाने के लिए और यूज करिए रेफरल कोड वीरेन 10% डिस्काउंट पाने के लिए।